क्यों? कई ऐसी खुराक है जिसमें से जरूरत के मुताबिक हमें ऑयल मिल जाता है, ऊपर से ऑयल लेने की क्या जरूरत है? जैसे तिल है, एनडीएस में तिल का उपयोग करते हैं हम, कच्चे मूंगफली की दाने हैं, ऐसी कई चीजें हैं जिसमें से जरूरत के मुताबिक ऑयल मिल जाता है। नारियल है, ऊपर से लिया हुआ ऑयल जहर है, आंतों में चिपक जाता है और साथ में कूड़े को भी चिपका लेता है, फाइबर्स को भी, आंतों की दीवारों को वो चिपक जाता है और उससे टच होके जो जो भी फाइबर्स निकलते हैं वो भी वहां चिपक जाता है और कई सारे रोगों को न्योता देते हैं वे लोग। ऑयल कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ब्लॉकेज हार्ट का, हर जगह पे तो ये नुकसान करता है। ऑयल नहीं लेना चाहिए, फिर भी खाना ही है तो लोगों ने अलग अलग तरीके निकाल दिए हैं। एनडीएस में भी हमारे यहाँ तो कई लोगों ने शुरू कर दिया है कच्ची घानी का तेल, कच्ची घानी का तेल खाओ, मूंगफली का या तिल का, सरसों का। और रिफाइंड तेल के बारे में तो अभी लोगों को धीरे 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 समझ में आ रहा है, काफी न्यूज अखबारों के जरिए टीवी में। रिफाइंड ऑयल जो होता है ना, 600-700 डिग्री पर जाकर वो बॉयल किया जाता है। हाँ, तो 600-700 डिग्री पर जब वो कोई चीज़ बॉयल होती है तो उसके अंदर किसी तरह का कोई भी न्यूट्रिशन नहीं रहता है, सारे न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं उसके अंदर, कुछ भी नहीं बचता। और न वो मानो मूंगफली का तेल हम लाते हैं तो उसमें मूंगफली